हेलो, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के थ्योरी देखा था। अभी क्या करते हैं, इस थ्योरी के बाद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेवल वाइज डिस्कस करेंगे। लेवल वन में बेसिक क्वेश्चंस होंगे सब टॉपिक वाइज, उसके बाद लेवल टू स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्टिंग पहले आपको सॉल्व करना है, पॉज करके फिर देखना है कि क्या आंसर है। ये है सब टॉपिक, स्टार्टिंग का है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड एंड द स्पेस लैटिस। जो सॉलिड होता है उसका इंट्रोडक्शन है, कैसे उसके लैटिस होते हैं उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन आर सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब क्या था, जो अमरफस वाले पार्ट थे। केसीएल आयोनिक है, आयोनिक है तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ये रबर सूडो होगा, देख के ही लग रहा है वो क्रिस्टल जैसा नहीं होता है। अपने जो इरेजर यूज करते हैं उसी को ही फील कर लो। BaCl2 डाईहाइड्रेट, ये कैसा होगा। BaCl2 इज क्रिस्टलाइन, ये आयनिक कंपाउंड है। सॉलिड केक जस्ट लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ द कोल टार, मतलब इस टाइप का कुछ सॉलिड होगा। जो सड़क बनती है ये वो वाला पार्ट है। ये कैसा होता है, बिल्कुल अमॉर्फस टाइप में है, टूट जाएगा इजिली, क्रिस्टलाइन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रबर एंड सॉलिड केक, ऑप्शन सी। ये क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस। अमॉर्फस को क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। क्वेश्चन नंबर टू, इसका आंसर है ए। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इक्विवेलेंट पॉइंट इन द यूनिट सेल ऑफ ए पीरियोडिक लैटिस लाई ऑन द ब्रेविस लैटिस। जो लैटिस होगा उसके ऊपर जो यूनिट सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पॉइंट्स पीरियोडिक होते हैं, मतलब उनका इंटरवल फिक्स होता है कि इसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा। जैसे सिंपल क्यूबिक अगर होगा तो कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे होंगे, फिर नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक में फिर पीरियडिक वाइज होगा। तो ये वाला वर्ड है जो जैसे हमारे स्कूल में क्लासेस में पीरियड्स होते हैं, यानी इंटरवल होता है कि इस ड्यूरेशन में ये होगा उसके बाद ये होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट इन यूनिट सेल ऑफ पीरियडिक लैटिस डू नॉट लाई ऑन द ब्रेविस। ये गलत है, ब्रेविस लैटिस पे ही होता है। जो ब्रेविस लैटिस होता है वो 2D में भी होता है, 3D में भी, 1D में भी। जो 2D है उसमें कितने होते हैं ब्रेविस लैटिस, 5 2D में, और 5D का तो हमें पता है। एक बार देख लेते हैं 2D में कैसा होगा। ये लीनियर, लीनियर मतलब एक ही लाइन। ये कौन सा D होगा, वन डायमेंशन। जो 2D में होंगे 5 है, कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल। ये देखो सारे लैटिस जो मिले हुए हैं उसको अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉर्नर साइड तो स्क्वायर बना। अगर लेंथ इक्वल नहीं है, ए इज इक्वल टू नॉट बी, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर। ए और बी इक्वल इक्वल हैं पर एंगल होगा उसके बीच में 120। जैसे हेक्सागन में 120 एंगल होता है, एंगल के बेस पे है ये सारा, और लेंथ के बेस पे। लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्लिक्यू। एक रेक्टेंगल जैसा ही है पर रेक्टेंगल के हर के बीच में एक फेस पे भी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, सेंटर रेक्टेंगुलर। तो कितने ब्रेविस लैटिस हो जाएंगे, 1D के अंदर एक ही जो कि लीनियर है, 2D में 5 है जो ऊपर लिखा हुआ है, 3D के अंदर कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं हमारे, 14। ये NCERT का डायग्राम है ब्रेविस लैटिस के लिए। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये क्यूबिक वाला पार्ट है। फिर उसके बाद ये टेट्रागोनल में 2 होंगे, ऐसे करके सारा है। हमको नंबर याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे क्या है इतनी ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस में हमें इन तीनों पे अच्छे से डिस्कशन होगा और बाकी सब याद रखना कितने होंगे। A3 जो हमारे ब्रेविस लैटिस के बाद जो 7 सिस्टम्स बनेंगे उसमें उनका लेंथ और उनके एंगल्स, उनका रिलेशन। रोम्बोहेड्रल जो है इसका देखते हैं, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, इसका आंसर है ए। A3 का आंसर ए। रोम्बोहेड्रल में सारे साइड्स इक्वल होंगे पर एंगल इक्वल है पर 90 डिग्री नहीं है। इसके लिए ये NCERT में जो वाला पार्ट है ये हमें याद रखना है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, देख लें। क्यूबिक वाला, टेट्रागोनल, ऑर्थोरेम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक, ये सारा हमें याद रखना है। A4 ए फेस सेंटर एक क्यूबिक सेल है, फेस सेंटर वाला है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कहाँ पे है वो, अगर फेस पे है तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसका,
वन बाय टू, फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो आंसर हो जाएगा ए। एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर के अंदर 1, कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन 1/8, याद रखना है। A5 एक FCC है, X और Y मिला के बना रहे हैं, उसके अंदर X कहाँ पे है, X है हमारे कॉर्नर पे, X कॉर्नर पे है तो 8 कॉर्नर्स होंगे, सबका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, आंसर होगा X एटम हो गए 1। Y कहाँ पे है, Y है हमारा फेस पे, कितने फेस होते हैं 6, हर फेस से कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, आंसर होगा 3। तो X 1, Y 3, तो आंसर क्या आया इसमें, A, A5 का आंसर A। A6, पहले सॉल्व करें, A6 का आंसर है C, देखते हैं कैसे आ रहा है। ये फेस सेंटर है, X कहाँ पे है फेस में, सॉरी X कहाँ पे लिख रहे हैं कॉर्नर्स में, सॉरी वो गलत हो गया, कॉर्नर्स पे है तो कॉर्नर कितना होता है 8 × 1/8, इसकी वैल्यू होगी 1। Y कहाँ पे है, Y है फेस सेंटर पे, तो प्रीवियस जैसा ही है, तो कितने हो गए 6 × 1/2, 3। पर उसके बाद आगे भी पढ़ना है, क्या बोल रखा है, द फॉर्मूला तब का बताना है जब कंपाउंड में से इफ टू एटम्स आर मिसिंग, किसके मिसिंग है, X के, Y के नहीं, X कहाँ पे थे कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे थे 8, उसमें से 2 मिसिंग है, तब नया वाला क्या बनेगा, X कहाँ पे हो जाएंगे, कॉर्नर्स में से 8 में से 2 चले गए 6, 6 का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो 6 × 1/8। वाई एज इट इज़ फेस पे हैं 3 × 3, तो फॉर्मूला क्या आ गया, जो एक्स है एक्स होगा 6/8, वाई 3, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 3 और ये 4, एक्स वाई 4, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, सॉल्व कर लेते हैं। एक क्यूबिक है, एक्स और वाई से मिलके बना है, एक्स कहाँ पे है, एक्स है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे है और वाई है फेस सेंटर पे, कॉर्नर पे आएगा तो 1, वाई फेस पे है तो 3, तो फॉर्मूला क्या आया हमारा, एक्स वाई 3। A8, एक्स एंड वाई, एक्स एटम कहाँ पे हैं कॉर्नर्स पे हैं, तो कॉर्नर कितना होता है 8, वाई कहाँ पे है, वाई है फेस पे, ये फेस लिखा है फेस सेंटर, तो फेस कितने होते हैं हमारे 6। फॉर्मूला तब बताना है इफ वन ऑफ द एक्स आर मिसिंग, एक्स कितना मिसिंग है 1, 1 मिसिंग है, तो कितना बच गया ये 7, 7 का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, 6 फेस का होगा 1/2, कितना हो जाएगा x 7/8, y 3, x 7, y 24, आंसर इज ए। A9 CCP लैटिस है, x और y मिलके बना है, x कहाँ पे है, x है कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने होते हैं 8, y कहाँ पे है फेस सेंटर पे, फेस सेंटर होते हैं 6, इतना है। इफ वन ऑफ द एक्स एटम फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से रिमूव कर दिया, किससे रिमूव के साथ से रिप्लेस कर दिया है जड़ से, तो एक्स कितना हो गया 1 चला गया, तो हो गया अब 7, 7 का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे है, इसीलिए ये कॉर्नर पे है, और एक जड़ कहाँ पे आ गया है, 1 आया है कॉर्नर पे, और ये है फेस पे, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा फेस वाले का 1/2, कॉर्नर पे है 1/8, सॉल्व करने पे आया एक्स 7/8, वाई 3, जेड 1/8, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स 7, वाई 24, जेड 1, ऐसे कोई आंसर मैच कर रहा है, यस बी आंसर हो जाएगा इसका बी।
A10। इस सेक्शन का ही लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करेंगे। और ये सॉलिड, एक सॉलिड बन रहा है W से मिलके बन रहा है। W कहाँ पे है? W है कॉर्नर्स पे, किसके? क्यूब के। O कहाँ पे है? सेंटर। किसका सेंटर? सेंटर ऑफ एज। कितने एज होते हैं हमारे? 12। और सोडियम एटम ये कहाँ पे है? सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब का एक ही सेंटर होगा, ये सेंटर एज पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक ही आएगा। अब कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करते हैं, ये होगा 8 × 1/8। एज पे कोई भी होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 × 1। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 1, ये 3 और यहाँ पे आया 1। W1O3 सोडियम 1। अब जब हम लिखते हैं, लिखते ऐसे कैसे लिखते हैं, कैटायन वाला पार्ट पहले आएगा। सब जानते हैं कि सोडियम कैटायन वाला पार्ट होगा, तो W इधर और NaN, वैसे भी एक जो ऑप्शन मैच कर जाए वो करेक्ट होगा, NaWO3। ये इसका करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला बाद में, मेटल पहले नॉन मेटल बाद में, क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग ये वाला देखते हैं, लैटिस वाला पार्ट। थैंक यू।